चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक का जन्म 26 फरवरी 1896 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। तब भारत गुलाम था, आजादी का आंदोलन चल रहा था। उनका बचपन आजादी के लिए संघर्ष को देखते हुए बीता। स्कूली पढ़ाई के बाद गोपाल स्वरूप पाठक इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की। उन्होंने एमए किया और फिर एलएलबी की डिग्री ली। साल 1945-46 के दौरान वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे। राज्यसभा में वो दो बार पहुंचे। उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1960 से 2 अप्रैल 1966 तक रहा। फिर 3 अप्रैल 1966 से 13 मई 1967 तक वो फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। संविधान और कानून की अच्छी जानकारी रखने वाले गोपाल स्वरूप पाठक 1966 से 1967 के बीच देश के कानून मंत्री भी रहे। उन्होंने 13 मई 1967 से 31 अगस्त 1969 तक तब के मैसूर स्टेट के गवर्नर का पद संभाला। अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाले गोपाल स्वरूप पाठक मैसूर, बेंगलोर और कर्नाटक विश्वविद्यालयों के चांसलर भी रहे। उनके जीवन में बड़ा बदलाव 31 अगस्त 1969 को आया, जब वो देश के उपराष्ट्रपति बने। इस पद पर वो 30 अगस्त 1974 तक रहे। 31 अगस्त 1982 को उनका निधन हो गया।